फाइनली टिकट ले ली है। टिकट का प्राइस है 50 रुपए और ये 150 चेंज मुझे मिल गए हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूं जंतर मंतर। दोस्तों ये एक बहुत ही विचित्र प्लेस है जहां पर बहुत सारे पुराने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे टाइम की और ग्रहों की सटीक जानकारी मिलती थी। तो फ्रेंड्स इस प्लेस को बिना गाइड के घूमना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर गाइड किया है। योर गुड नेम सर? दिनेश शर्मा। इनका नाम है मिस्टर दिनेश शर्मा। और यहाँ पर आप पिछले कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं तो काफी एक्सपीरियंस्ड है। तो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनको कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं पहले से ही, और इनसे जानेंगे इस जगह से जुड़ी हुई काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो अभी हम फिलहाल दिनेश शर्मा जी से जान लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, तो हम थोड़ा ब्रीफ जान लेते हैं कि यहाँ पर कितने इंस्ट्रूमेंट हैं और कितने अभी वर्किंग कंडीशन में हैं और कौन कितने प्रोटोटाइप हैं। तो दिनेश जी, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी जो ऑब्जर्वेटरी दिख रहे हैं जंतर मंतर, इसकी स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने 1728 में की। उन्होंने ऑल इंडिया में से 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड मथुरा, थर्ड वाराणसी, फोर्थ उज्जैन एंड फिफ्थ जयपुर। तो जयपुर ऑब्जर्वेटरी के हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे ये टोटल वर्किंग कंडीशन में है। वर्किंग कंडीशन में तब है जब सन है और सनलाइट पे अपना वर्क करेंगे। जैसे ऑर्डिनरी भाषा में हम इसे बोलते हैं जंत्र एंड मंत्र। तो जंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट एंड मंत्र मीन्स कैलकुलेशन। तो हम जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट देखे हैं सामने रेड कलर की जो वॉल देख रहे हैं, इसका नाम है सन डायल, सोलर वॉच। ओके, इससे टाइम की कैलकुलेशन होगा, ये जो टाइम बताएगा लोकल टाइम। ओके, क्योंकि जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो अलाहाबाद से लिया जाता है जी। तो अलाहाबाद और जयपुर के टाइम में डिफरेंस होगा वो एड करेंगे। तो टूडे जो आज का डिफरेंस है 40 मिनट, क्योंकि अलाहाबाद का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री, ठीक है, जयपुर का लॉन्गिट्यूड है 76 डिग्री। ओके, तो दिस वॉच गिव लोकल टाइम एंड एड 40 मिनट्स तो वी गेट स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो टाइम की कैलकुलेशन हम वहाँ करेंगे। सिंगल की टाइप से देख रहे हैं, टॉप साइड में लिखा है हिंदी नंबर 6, यस यस, डाउन 7, 3, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 6 to 12 मॉर्निंग टाइम कैलकुलेशन एंड आफ्टर 12 to 6 इवनिंग टाइम कैलकुलेशन, दैट साइड। ओके, और क्लियर कर दूं, यहाँ देखिए अभी लिखा हुआ 9, यस, एंड 10 कंप्लीट बना हुआ, बिल्कुल डिवाइड किया गया है 5 मिनट 10 मिनट 15 30 45 एंड 60। ओके, 5 मिनट देख रहे हैं 5 पार्ट 1 1 मिनट, और जो 1 मिनट है इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसमें टाइम की एक्यूरेसी है 20 सेकंड 20 सेकंड। अभी आप देख रहे हैं इस वॉल की शेड यहाँ नीचे आ रहा है, बिल्कुल, और वहाँ देखें एग्जैक्ट 11:01 हो रहा है। ओके, 11 शेड यहाँ आ रहा है, 11:01 पे आ रहा है जी। तो 11:01 लोकल टाइम, उसमें 40 मिनट सेट कर दें तो नाउ 11:41 वी गेट स्टैंडर्ड टाइम। यस, चेक योर वॉच, ऑलमोस्ट यही टाइम हो रहा है। अभी बाकी है वहाँ पे देखें 20 सेकंड बाकी है। यस 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 यस, काफी हद तक इसकी एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी, बिल्कुल सर। एंड आफ्टर 12 to 6 इवनिंग टाइम कैलकुलेशन, और जो उधर वाला सेकंड वाला पोर्शन है वो 12 से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइम दिखाता है। ओके, पोल स्टार जानते हैं नॉर्थ स्टार? यस यस, ध्रुव तारा। रात के टाइम में आप इस जगह आंख लगा के देखेंगे, उसकी पहला एकदम सामने स्काई में पोल स्टार दिखाई देगा। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। और जो पोल स्टार है वो ऑलवेज नॉर्थ में फिक्स रहता है, डजंट मूव, ऑलवेज फिक्स इन द नॉर्थ। ओके, जो फर्स्ट डायरेक्शन देख रहे हो गया नॉर्थ, यानी कि इस पॉइंट को जब हम करेंगे डायरेक्ट तो यहाँ से सीधा हमको पोलर स्टार दिखाई पड़ेगा। और जो पोल स्टार है वो ऑलवेज नॉर्थ में फिक्स रहता है, तो जो फर्स्ट डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, नॉर्थ अपोजिट साउथ, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एज द कंपास, तो फर्स्ट का डायरेक्शन। आफ्टर मेड ऑल इंस्ट्रूमेंट दिस ऑब्जर्वेटरी, तो इट्स द फर्स्ट वन। ओके, ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आप, इसका नाम है हेमिस्फीयर डायल। यू नो हेमिस्फीयर, वी हैव टू हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरायण एंड दक्षिणायन। उत्तरायण दक्षिणायन, उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट वाला जो डायल देख रहे हैं ये दक्षिणायन हो गया, इसके पीछे ऐसा ही डायल बना हुआ है उत्तरायण, वो उत्तरायण है। तो सन है 6 मंथ सदर्न हेमिस्फीयर एंड आफ्टर 6 मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसी टाइम की कैलकुलेशन होगा। आप सेंटर में जो आयरन रॉड देख रहे हैं, इसकी शेड देख रहे हैं वहां आ रहा है, वो मेरे फिंगर से यहाँ से देखें 11 पे आ रहा है। यस, अब हो रहा है आपका 11:02 लोकल टाइम। ओके, उसमें 40 ऐड कर दें तो नाउ 11:42। पर ये जो डायल है 6 मंथ वर्क करेगा, आफ्टर 6 मंथ नाउ वर्क, सन की पोजीशन चेंज होगी, दैट डायल अदर साइड। अच्छा, तो केवल इस तरफ ये काम करेगा 6 मंथ। ओके, 6 मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, ओके ओके, 6 मंथ जो आपका अपोजिट वाला है वो काम करेगा, वो वाला वर्क करेगा। विंटर में ये वर्क करेगा, समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
ओके ओके ठीक, थैंक यू। और ये वाला जो अपोजिट साइड वाला है ये गर्मियों में एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर टाइमिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसका नाम है यंत्रराज, ये सावन मेटल्स का बना हुआ और 360 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। इसका यूज किया जाता था हॉरोस्कोप बनाने में जन्म कुंडली। ओके, और मेरी उंगली की डायरेक्शन देख रहे हैं, सेंटर में जो हॉल देख रहे हैं जैसे जयपुर माना है, हॉल के ऊपर देख रहे हैं जो गोल वाला पॉइंट देख रहे हैं नॉर्थ पोल, जो लाइन निकल रही है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हॉल के नीचे जो देख रहे हैं जो सबसे लास्ट लाइन देख रहे हैं जो सेंटर से डिवाइड कर रहा है इक्वेटर लाइन। यस यस ओके। इक्वेटर के जस्ट नीचे देखे वहाँ हिंदी में लिखा है 2727 हिंदी नंबर। हाँ लिखा हुआ है। सो जयपुर सिचुएटेड 27 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर लाइन। ओके। इक्वेटर की अगर आप और नीचे देखेंगे तो वहाँ छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं हिंदी में, बिल्कुल लिखे हैं। जैसे मेरे फिंगर के डायरेक्शन देख रहे हैं सबसे लास्ट में लिखा है रोहिणी, सबसे नीचे रोहिणी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। फिर अश्वनी, फिर केतकी, भरणी, रेवती, प्रजापति। यस यस। तो हमारी 27 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनके नेम लिखे हुए हैं। तो इसके यूज किया जाता था सॉल में कंपास लगाकर डिग्री पे फिक्स किया जाता था और उस डिग्री से देखा जाता था कि इस डिग्री पे कौन से नक्षत्र हैं, कौन से ग्रह हैं और एट दिस टाइम जो बेबी बॉर्न हुआ है उसको उसके क्या इफेक्ट्स। बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है उसका एक पार्ट था। ओके। और जो उस साइड जो देख रहे हैं ट्रायल है, रफ है, पहले ट्रायल बनाया उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, उधर वाला ये रफ है, ट्रायल लिया था उसको जो फाइन किया था वो आपका ये final, वो एक तरह से प्रोटोटाइप है और ये इसका फाइनल ऑब्जर्वेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बने हर के पहले ट्रायल बनाए। यस यस। उसके अकॉर्डिंग उससे फाइनल किया। अब ये देख रहे हैं ये वाला ट्रायल है, वैसे ही दो सर्कल देख रहे हैं सामने की तरफ, दैट इज द फाइनल इंस्ट्रूमेंट। ओके। और वहां से मालूम करेंगे हम सन का इंक्लिनेशन एंड एक्लिनेशन चलते हैं उसकी कैलकुलेशन वहां करते हैं। ओके। यस सर। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसका नाम है जय प्रकाश यंत्र। जय प्रकाश यंत्र। और यहाँ से मालूम करेंगे पोजीशन ऑफ ज़ोडियक साइन राशि। वन इंस्ट्रूमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए पार्ट इसके जस्ट पीछे देखे आप ऐसा ही बना हुआ बी, ये इसका बी पार्ट है। ऑथर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। ओके। यहाँ का जो गैप्स देख रहे हैं मिसिंग मार्बल, यस यस, वो बी पार्ट में, ठीक है, बी पार्ट का ए पार्ट में, अगर दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो कम्प्लीट वन। इसमें अंदर रास्ते बने हुए हैं ना, दोनों साइड रास्ते बने हुए, ये वाला रास्ता। अच्छा, इसमें अंदर जाने का भी रास्ता है, इसके इधर से आप अंदर भी जा सकते हैं, इसको बंद किया हुआ फिलहाल अभी। और देखें ये टॉप पे जो रिंग लग रहा है जी, वायर के टॉप पे जो रिंग लगा हुआ है इसे माना गया सन। इसकी शेड इसके मार्बल पे होगा, ये वर्क करेगा और उसके गैप्स में होगा मिसिंग पार्ट में, देन बी पार्ट, क्योंकि यहाँ का मिसिंग पार्ट इज और देयर। अब आप मेरे हाथ की शेड देखें नीचे, जो ट्रिपल लाइन देख रहे हैं ये वाला, यस यस यस, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर से 6 ज़ोडियक साइन साउदर्न हेमिस्फीयर टॉप की तरफ एंड 6 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डाउन साइड। ओके। अब मेरे हाथ की शेड देखे हैं, देखें यहाँ देखें सबसे टॉप पे, हाँ, बिल्कुल लिखा है। सेकंड नंबर लिखा है धनु को, धनु। थर्ड नंबर देखे वृश्चिक मीन, वृश्चिक लिखा है। ये इक्वेटर लाइन देख रहे हैं आपका मेषन तुला, बिल्कुल। उसे डाउन देखे यहाँ लिखा है वृषण कन्या, बिल्कुल लिखा है। उसे नीचे लिखा हुआ है मिथुन एंड सिंह और सबसे लास्ट में कर्क कैंसर। ओके। टॉप साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड डाउन साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पर अभी आप देख रहे हैं स्प्लिट की शेड वहाँ है, जो ये इसको सन माना है इसकी शेड वहाँ पर आ रहा है, मार्बल पे आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। उसे जस्ट नीचे देखे वहाँ हिंदी में लिखा है कुंभ, बिल्कुल लिखा है कुंभ। तो अभी जो सन है वो कुंभ राशि में एक्वेरियस। ओके। और अभी अगर कोई बेबी बॉर्न होगा तो उसका साइन होगा एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके। अगर इस जो पीरियड चल रहा है इसमें अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी राशि कुंभ होगी, क्योंकि अभी ये सिंबल कुंभ पर आ रहा है। और जब शेड इसके गैप्स में आ जाएगा बी वाला वर्क करेगा। वन आर दिस, यानी कि 6 मंथ ये चलेगा। वन आर दिस, वन आवर, एक घंटे, क्योंकि स्प्लिट की शेड वन स्लैब्स को क्रॉस करने में 1 आवर लगाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, यानी कि जो गैप्स हैं इन गैप्स का को इधर बनाया गया है। तो एक घंटे एक काम करता है, एक घंटे ये काम करता है, अल्टीमेट। जो अभी हमने सामने हेमिस्फीयर डायल को देखा था उसका ये प्रोटोटाइप बनाया गया था। फ्रेंड्स, हर चीज का यहाँ पर पहले प्रोटोटाइप बनाया गया है, उसके बाद उसको फाइनल रूप दिया गया है। नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिस बने हुए हैं, ये हमारी 12 साइन होती हैं, 12 ज़ोडियक साइन, 12 राशियां होती हैं, उनकी 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। और यहाँ से मालूम करेंगे हम डिग्री। तो अभी हमने देखा सन कुंभ राशि में था, तो सामने देखे मीन लिखा हुआ है पाइसेस। हाँ, ये मेरी राशि है मीन। उसके पीछे कुंभ का बना हुआ एक्वेरियस का, उसके फर्दर कैलकुलेशन वहाँ करें। ओके। तो फ्रेंड्स,
जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये आप जो सिंबल्स देख रहे हो यहाँ पर हमारी टोटल सर 12 राशियाँ होती है ना, तो जो टोटल 12 राशियाँ होती है यहाँ पर हर एक जो सिंबल बना है वो एक राशि को डिनोट करता है। तो फिलहाल अभी हमने इससे पहले वाले इंस्ट्रूमेंट में जो देखा है वो कुंभ के बारे में देखा है, तो अभी हम कुंभ का जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बना है उसके बारे में स्टडी करेंगे और हमारे भाई साहब से जानेंगे शर्मा जी से कि उसका क्या यूज है। मालूम करेंगे कि अभी जो सन है वो कुंभ राशि में कितनी डिग्री पे रिमेनिंग कर रहा है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इस वॉल की शेड नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ 300 लिखा हुआ है, 300 और थोड़ा आगे आ जाए वहाँ देखें 330 लिखा हुआ है, 330 लिखा है उधर, बिटवीन 300 एंड 330 30 डिग्री 30 डिग्री हो गया। उसे डिवाइड किया, यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे आ रहा है, ये हो गया आपका 310। तो अभी अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो एक्वेरियस कुंभ राशि में 310 डिग्री, तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो सबसे पहले डिग्री लेंगे, उसके बाद में जो हमने देखा था गोल वाली प्लेट नक्षत्र एंड ग्रह यंत्र राज वहाँ 310 डिग्री पे टेलीस्कोप डाला जाता था और फिर देखा जाता था इस डिग्री पे कौन से नक्षत्र हैं, कौन से ग्रह हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका हॉरोस्कोप बनाया जाता था जन्म कुंडली। ओके, तो फर्स्ट जोडियक साइन दैट आफ्टर डिग्री ऑफ जोडियक साइन एंड यूज्ड टू यंत्र राज मैक टू हॉरोस्कोप ओके। अभी हमने जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट देखा था स्मॉल सनडायल, टाइम की कैलकुलेशन की थी, इस सामने जो देख रहे हैं पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर का, ये हो गया बिग सनडायल। अच्छा, ये एक तरह से जो हमने वहां देखा था सनडायल ये उसका एक बड़ा रूप है, बिग वर्जन। ओके, वो स्मॉल सनडायल था, दिस इज बिग सनडायल। इन दोनों में टाइम की कैलकुलेशन का प्रोसेस है सेम बट एक्यूरेसी इज डिफरेंट। वहां जो टाइम की एक्यूरेसी थी 20 सेकंड और उसमें टाइम की एक्यूरेसी है 2 सेकंड। ओह गॉड, क्योंकि इसे 10 टाइम बिगर कर दिया उससे, तो इसकी एक्यूरेसी भी 10 टाइम और एक्यूरेट। तो ये सेम प्रिंसिपल 6 to 12 मॉर्निंग, ये जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है ये मॉर्निंग 6 to 12 दिखाता है और जो सेकंड वाला पोर्शन है वो 12 to 6 दिखाएगा। तो ये दिस साइड AM एंड दैट साइड PM और उसका जो कैलकुलेशन है और जो उसका फंक्शन है वो बिल्कुल इक्वल टू जो हमने अभी प्रीवियसली देखा है उसी की तरह है। वो 10 सेकंड तक 20 सेकंड तक एक्यूरेट है और ये 2 सेकंड तक एक्यूरेट है। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट सनडायल मेंशन इन गिनीज बुक दिस वन। ग्रेट, गुड। तो अभी आप देख रहे हैं इस वॉल की शेड वहाँ नीचे आ रहा है, जी दिख रहा है जी, शेड से 1 स्लैब ऊपर देखे हैं 11 लिखा हुआ है बॉटम पे, मार्बल की बॉटम पे 11 लिखा हुआ है। तो जो 1 स्लैब से ईच मार्बल स्लैब से 15 मिनट। ओके, अब हो रहा है आपका 11:15 लोकल टाइम, उसमें 40 ऐड कर दे तो अब हो गया आपका 11:55, यानी कि जो अभी टाइम हो रहा है वो 11:55 होगा। अभी जो लोकल टाइम हो रहा है यहाँ का वो 11:15 हो रहा है, उसमें 40 मिनट्स ऐड करेंगे 11:55 बिगेस्ट स्टैंडर्ड टाइम IST इंडियन। अच्छा, ओके, तो हमको IST मिल जाएगा, IST मिल जाएगा, क्योंकि ये वॉच है वो तो जयपुर का लोकल टाइम शो कर रहा है। ओके, तो भाइयों ये है बड़ा रूप उस क्लॉक का, काफी जायंट बना हुआ है और जो वो उसका टॉप पोर्शन है वहां पर उसका डिजाइन है। अच्छा, ओनली टेरेस टॉप पे जो देख रहे हैं कैनोपी बनी है ओनली फॉर डिजाइन है, मेन फंक्शन इस वॉल का है, इस वॉल का है, इस वॉल को लोकल मेरिडियन वॉल माना गया है। मॉर्निंग में इस वॉल की शेड इस साइड आएगा, AM हो गया, आफ्टरनून के बाद में शेड उधर चला। और जो इस वॉल पे जो नंबर्स लिखे हुए इसका क्या यूज है, लेंथ ऑफ वॉल को शो किया गया उसके अकॉर्डिंग इसका एंगल डिसाइड किया गया है। ओके, इस वॉल का जो एंगल है वो है 27 डिग्री, जयपुर का जो लैटिट्यूड है वो 27 डिग्री। Okay. इस एंगल में ये ओनली फॉर जयपुर में वर्क करेगा, अगर आप किसी दूसरी सिटी में अगर इस एंगल पे बनाते हैं तो वहाँ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और 300 फ्रेंड्स, ये जो आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं करीब करीब 300 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ये सब देख के कि उस समय इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी लेकिन ये किस तरह से उन्होंने बनाया होगा, रियली वेरी अल्टीमेट। जैसा कि मैंने बताया था आपको हर चीज का एक प्रोटोटाइप बनाया गया था, तो अभी जो हमने बड़ा वाला सनडायल देखा है ये इसका प्रोटोटाइप है और उसके बाद में इसके जो रियल जो उसका फिगर है उसको बनाया गया था। पहले दोनों इंस्ट्रूमेंट देखते हैं सामने छोटे वाले येलो कलर के, इनका नाम है राम यंत्र और इनसे भी दो फंक्शन मालूम करेंगे, एक तो सन का ऑल्टीट्यूड, यू नो ऑल्टीट्यूड हाइट ऑफ सन, और दूसरा अर्थ का रोटेशन।
बट दीज टू प्रोटोटाइप रफ मॉडल, ये दोनों अच्छा ये दोनों ट्रायल है। उनके फाइनल इंस्ट्रूमेंट्स देखे वो सामने बने हुए बड़े वाले, ओके उसकी कैलकुलेशन हम वहाँ करते हैं। और जो साइड में जो रेड वाला देख रहे हैं जो ट्रायंगल रखा हुआ लोहे का, हाँ जो भी हमने स्मॉल सनडायल देखा था फर्स्ट वाला उसका ट्रायल, ओके जो बड़ा जो हमने स्मॉल वाला सनडायल देखा था ये जो ब्लैक वाला है ये इसका प्रोटोटाइप है, ओके यंत्र है। और यहाँ से मालूम करेंगे सन का अल्टीट्यूड और अर्थ का रोटेशन। अर्थ हैव टू रोटेशन 1360 विद इन 24 आवर्स, सेकंड रिवॉल्व 23 नॉर्थ एंड 23 साउथ। तो यहाँ से मालूम करेंगे हम रोटेशन 360 का, जिससे डे और नाइट बनता है। ओके एक तो जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है सूरज के और वो एक और एक अपने अक्षांश पे घूमती है। तो बेसिकली जो अक्षांश पर घूमती है यानी 24 आवर का जो टाइम होता है इस इंस्ट्रूमेंट से उसका, ओके सर बिल्कुल बताइए सर। और मेरे फिंगर की डायरेक्शन देख रहे हैं, सेंटर में जो आयरन रॉड देख रहे हैं बिल्कुल सर, माना गया सन, ओके इसकी शेड इसके स्टोन स्लैब्स पे होगा तो ये वर्क करेगा, और इसके गैप्स में होगा मिसिंग पार्ट में देन बी पार्ट अदर साइड अदर वाला काम करेगा, क्योंकि यहां का मिसिंग पार्ट जस्ट लाइक एज अ जयप्रकाश यंत्र, उसमें भी एक एक घंटे के गैप में बनाया गया है। सेम एक घंटा ये काम करेगा और एक घंटा उसके बगल वाला काम करेगा, यानी वो अक्षांश बताएगा और दोनों सेम फंक्शन दोनों ही बताएंगे, ठीक है। ये इजी टू ऑब्जर्वेशन के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो ये कंप्लीट हो गया, ओके। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा अंदर आना पॉसिबल नहीं है, तो इजी टू स्टडी के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो मेरे फिंगर की डायरेक्शन देख रहे हैं, टॉप के जो सर्कल देख रहे हैं 360 डिग्री, हाँ बिल्कुल है। और अर्थ हैव वन रोटेशन कंप्लीट 360 विद इन 24 आवर्स, टॉप से लेंगे अर्थ का रोटेशन। अब मेरे फिंगर की डायरेक्शन देखें, टॉप से वापस डाउन आ जाएं, सबसे लास्ट में देखें 45 लिखा हुआ हिंदी में कॉर्नर पे, यस 45 से 90 डिग्री रॉड के बुटम तक लास्ट तक ये बताएगा सन का अल्टीट्यूड। अब जो स्लैब्स देखें इसमें टू टाइप्स लाइन है, हॉरिजॉन्टल अल्टीट्यूड एंड वर्टिकल रोटेशन, ओके। तो अभी आप देख रहे हैं इस रॉड की टॉप शेड यहाँ आ रहा है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, और इसी लाइन के पैरेलल आप यहाँ कॉर्नर पे देखें लिखा है 45। तो एट द मोमेंट ऑल्टीट्यूड एंगल 45 डिग्री, एंगल ऑफ सन 45, ठीक है। और जब टॉप शेड यहाँ है तो इसकी पूरी शेड इस स्ट्रेट लाइन पे है, इसी लाइन के पैरेलल आप टॉप पे जाएं, सबसे ऊपर देखें, सबसे ऊपर और थोड़ा पीछे जाए वहाँ देखे 340 लिखा और आगे लिखा है 350, यस यस लिखा है लिखा है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप इसके टॉप पे 340 लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका 341, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो जो अर्थ का जो रोटेशन है वो है 347 डिग्री, सन का जो अल्टीट्यूड बन रहा है जयपुर में वो 45 डिग्री, ओके। और जब शेड इसकी गैप्स में आ जाएगा बी वाला एक्टिव हो जाएगा, चलिए बी वाले में चलते हैं। वन आर दिस एंड अनदर वन आर दैट इज, तो फ्रेंड्स ये वाला है बी वाला पार्ट, लेकिन अभी ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है बिकॉज ऑफ अभी कुछ देर बाद यानी कि करीब आधे पौन घंटे बाद ये वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा, दस मिनट के बाद अभी ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक घंटे वो काम करता है और एक घंटे ये काम करता है। तो वो ए पार्ट हो गया और ये है आपका बी पार्ट, सेम कैलकुलेशन जो टाइम की है वो जस्ट ए पार्ट की तरह इसमें भी होगी, ओके। अभी हमने देखा था जयप्रकाश यंत्र जहाँ राशि मालूम की थी उसका कंप्लीट वर्जन दोनों को मिला दिया गया, ओके एक तरह से ये प्रोटोटाइप मान लें, प्रोटोटाइप नहीं ये इसका कंप्लीट वर्जन है, अच्छा 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 प्रॉब्लम हुआ, ओके ओके। जैसा कि वहाँ पर हमने जो देखा था वहाँ पर एक एक घंटे के गैप पर वो दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे, वहाँ दोनों नाम क्या था जयप्रकाश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र के दोनों पार्टों को यहाँ पर कम्बाइंड कर दिया गया है और ये इसका कंप्लीट वर्जन है। अभी देख रहे हैं इस प्लेट की शेड में आ रहा है, मेरे हाथ की शेड देख रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं हिंदी में लिखा है कुंभ, हाँ कुंभ लिखा हुआ है, सेम फंक्शन बट डिवाइड इन टू पार्ट्स इज अ कंप्लीट वर्जन। पहले ये बनाया तो इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इजी टू ऑब्जर्वेशन, ओके ओके, यानी उसको दो पार्ट में किया गया था ऑब्जर्वेशन को और क्लियरिफाई करने के लिए, ठीक है। अब सर आप लोगों को चुपचाप सुनते रहे, ओके। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसका नाम है सर्कल इंस्ट्रूमेंट, चक्र यंत्र। और यहाँ से मालूम करेंगे सन का इंक्लिनेशन एंड एक्लिनेशन एंगल, यू नो इंक्लाइन एंड डिक्लाइन। जो लाइन देख रहे हैं अभी इक्वेटर लाइन हो गया, हॉल को माना गया सन। इक्वेटर से सन हाईएस्ट 23 पॉइंट ऑफ नॉर्थ में आता है 21st जून कैंसर, एंड 23 पॉइंट ऑफ साउथ में आता है 22nd दिसंबर कैप्रिकॉन।
ठीक है, पर अभी कितनी डिग्री पे है, तो अब इस हॉल में लॉन्ग आयरन रॉड फिक्स करेंगे। और मेरे फिंगर की शेड देखा है सर्कल पे, आ रहा है नीचे? हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 22 दिसंबर को शेड यहाँ था कैप्रिकॉन पे, उस दिन था शॉर्टेस्ट डे लॉन्गेस्ट नाइट। तो 22 दिसंबर से 1, 2, 3, 4 और 5 डिग्री सन डिक्लाइन कर गया, नीचे आ गया। 21 जून को शेड यहाँ आ जाएगा कैंसर पे, उस दिन होगा लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। यानी कि ये केबल यहाँ से और यहाँ तक मूव करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक मूव करता है। एक्चुअल में यहाँ मालूम कर रहे हैं हम अर्थ का रोटेशन, कि जो भी जो अर्थ है वो कितनी डिग्री कब कब मकर रेखा से कर्क में आता है, कर्क से मकर में जाता है, वही है ना ये? यानी कि उसका एक जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं, यानी कि जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा में प्रवेश करता है, हमें करेक्ट सर, उसकी कैलकुलेशन के लिए है ये। और 21 मार्च एंड 23 सितंबर को इक्वेटर पे आ जाएगा इक्विनॉक्स। किस दिन सर? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य इक्वेटर पे रहता है इक्विनॉक्स, उस दिन होता है डे एंड नाइट स्टार इक्वल। ओके, उस समय ये यहाँ रहेगा, इसका शेड यहाँ रहेगा एकदम सेंटर में, इक्वेटर लाइन पे। करेक्ट, क्या नाम है सर इस यंत्र का? चक्र यंत्र। ओके, प्रकाश यंत्र देखा था जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका कम्प्लीट वर्जन। तो पहले उसका जो रफ मॉडल ट्रायल, क्योंकि इसमें कोई मार्किंग नहीं है, पहले ट्रायल बनाया, यहाँ फाइनल किया, इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो दोस्तों, जयप्रकाश यंत्र को पहले यहाँ पर बनाया गया, यानी ये है प्रोटोटाइप, और उसके बाद उसका उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, तो बनाया गया ये आपका लेफ्ट वाला, और उसके बाद जब इसमें कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद बनाया गया है उसको अलग 2 पार्ट में, यानी कि एक एक घंटे के गैप पर उसको अलग अलग डिफाइन कर दिया गया। देखा था हेमिस्फीयर डायल, हाँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला देख रहे हैं, ये बहुत प्रोटोटाइप फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो उत्तरायण एंड दक्षिणायन देखा था, ओके, उत्तरायण का ट्रायल। इस ऑब्जर्वेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बने, हर के पहले ट्रायल बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग उसे फाइनल किया, एवरी एंड ईच फर्स्ट ट्रायल देन कैलकुलेशन देन द रियल इंस्ट्रूमेंट। हर के पहले ट्रायल बनाया, ट्रायल में जो एरर था उसे फाइनल में क्लियर किया। दोस्तों, जो मैंने बताया था अभी, उत्तरायण और दक्षिणायन एक जो यंत्र मैंने दिखाया था जो वर्क करता है 6 मंथ वन साइड एंड 6 मंथ सेकंड साइड, ये उसका एक प्रोटोटाइप है, जिसमें केवल उसको शायद दक्षिणायन का एक मॉडल तैयार किया गया था, और उसके बाद फाइनली जो मॉडल है एक्चुअल मॉडल उसको बनाया गया था। हाँ तो सर बताइए, ये किस में काम आता है? यहाँ से भी हम इंक्लाइन एंड डिक्लाइन मालूम करेंगे। एग्जैक्ट 2 दिन 21 मार्च एंड 23 सितंबर को एग्जैक्ट 12 o'clock जो सामने टॉप पे जो पिन दिख रही है, उसकी शेड एग्जैक्ट नीचे डायल पे आएगी, और जो वो जो पिन है सामने उसकी शेड एकदम नीचे आ जाएगी एग्जैक्ट 12 o'clock। ठीक है, वहाँ जो शेड आएगा वहाँ से वही मालूम करेंगे कि जो अर्थ है वो कितनी डिग्री नॉर्थ की तरफ टिल्ट है या कितनी डिग्री साउथ की तरफ टिल्ट है। ओके, जो भी हमने सर्कल इंस्ट्रूमेंट से मालूम किया था, चक्र यंत्र से वही फंक्शन यहाँ से मालूम, उसका एक बड़ा रूप बनाया गया है। पर ये 2 दिन वर्क करेगा, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, जब सन होगा ओवरहेड इक्वेटर पे आ जाएगा तो इसकी शेड नीचे तक आएगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, जब आप जहाँ से एंटर करते हैं उसके ठीक सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा व्याख्या केंद्र। यहाँ पर अंदर डॉक्यूमेंट्री चलती है, इसका कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, आप यहाँ पर आकर 8 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं, जिससे कि आपको इस प्लेस के बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इस पूरे वीडियो को देखें, उसके बाद इस प्लेस को घूमना स्टार्ट करें, क्योंकि इस प्लेस में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनसे जुड़ी हुई काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप इन इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग कैसे करते हैं ये आप इनको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी लेकिन मैंने उल्टा कर लिया, मैंने पहले गाइड से पूरे पूरा टूर ले लिया है, उसके बाद जाते समय मैंने ये देखा कि यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर ये पूरा वीडियो, अगर अंदर परमिशन है शूट करने की तो मैं यहाँ पर वीडियो शूट करके आपको पूरा दिखा देता हूँ कि अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं और उसके बाद चलते हैं। समूह विज्ञान के महान ज्ञाता और पशुपाह वंश के आमिर शासक
सवाई जय सिंह ये द्वारा 18वीं सदी में निर्मित ये जंतर मंतर उनके स्वप्नों को साकार करने का एक बेमिसाल उदाहरण है। यहाँ के यंत्र आज भी सटीक माप देते हैं और इनसे की गई गणनाओं का प्रयोग ज्योतिष और खगोल विज्ञान से संबंधित अनेक कार्यों में किया जाता है। आज के सफर में हम आपको यहाँ के प्रमुख यंत्रों की कार्यशैली से भी अवगत कराएंगे। हमारे सफर की शुरुआत होती है 1719 से। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली दरबार के नियमों व ज्योतिषियों की गणनाओं में मतभेद के कारण किसी महत्वपूर्ण अभियान के शुरू और सही मुहूर्त न जान पाने से अक्सर दुविधाओं में पड़ जाते थे। इस असमंजस की स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की वेधशाला बनाने का निर्णय लिया, जहां अपनी ही तालिकाएं बनाकर सटीक गणनाएं की जा सके। बादशाह राजा जय सिंह की विद्वत्ता व खगोल विज्ञान के प्रति उनके गहरे लगाव व जानकारी से अत्यंत प्रभावित थे। अतः वेधशाला निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने राजा जय सिंह को ही सौंपा और उसके लिए स्थान चुना दिल्ली का रायसीना वन। राजा जय सिंह ने धातु के संयंत्र बनाकर कार्य आरंभ किया, परंतु उन्हें परिणाम संतोषप्रद नहीं लगे। अतः उन्होंने दीर्घाकार पत्थर व भवन निर्माण सामग्री से एक बड़ी वेधशाला बनाने का निर्णय लिया। 15वीं शताब्दी में समरकंद के खगोल विज्ञान में पारंगत बादशाह उलुघ बेग ने बने अत्यंत सुनियोजित तरीके से उन्होंने पश्चिम से प्राप्त दस्तावेज व अपनी खगोल शास्त्र व ज्योतिष की जानकारी के आधार पर आमेर से कुछ दूर तालकटोरा झील के बाद स्थान पर अपने प्रयोग आरंभ किए। इस प्रकार न केवल दिल्ली की वेधशाला बनकर तैयार हुई, पर साथ ही जयपुर में भी वेधशाला का निर्माण हुआ। बाद में वाराणसी, उज्जैन व मथुरा में भी वेधशालाएं बनवाई गई। इस प्रकार का संकेत भी मिलता है कि उन्होंने अपनी नई राजधानी जयपुर के राजमहल के निर्माण के समय उसकी पूरी तपोवन खगोलीय उत्तर दिशा के कुओं से मिलवाया। जयपुर के इस जंतर मंतर में 18 कुओं कार्यान्वित यंत्र हैं, जिनमें से कुछ पर जय सिंह की दूरदर्शिता एवं मौलिक सूझ की छाप है। चलिए अब हम इन साधारण देखने वाले यंत्रों के बारे में कुछ और समझें। पहले हम धूप घड़ी को साधारण चित्रों से समझें। दिन भर में सूर्य की स्थिति के अनुसार हमारी परछाई बदलती रहती है। सुबह सूरज पूर्व में होता है तो हमारी परछाई पश्चिम की तरफ पड़ती है। दोपहर को जब सूरज ठीक हमारे सिर पर दमकता है तो हमारी परछाई हमारे ठीक नीचे पहुंच जाती है, और जब सूरज पश्चिम में होता है तो यही परछाई पूरब की तरफ पसरती चली जाती है। अगर इस परछाई को हम एक गोलाकार आकृति की पट्टी पर रख दें ताकि परछाई बराबर गति से घूमती रहे, तो हम दिन में कभी भी किसी भी समय का अनुमान लगा सकते हैं। धूप घड़ी हमारे किसी काम में मदद करती है। धूप घड़ी पर लगे चिन्हों से सुबह से शाम तक का समय सहजता से पता किया जा सकता है। ये पट्टी जितनी बड़ी होगी समय की जानकारी उतनी सूक्ष्म व सही होगी। लघु सम्राट यंत्र में हम मिनट के 20वें सेकंड तक को देख सकते हैं और बृहद सम्राट में हमें 2 सेकंड के बीच मिल जाती है। इस बृहद यंत्र की सीढ़ियां उत्तरी ध्रुव तारे की सीध में ऊपर जाती है, यानी इन सीढ़ियों की सीध धरती की उत्तर दक्षिणी सीध के समानांतर। नीचे का हिस्सा एक बड़े घेरे का आधा हिस्सा है। अगर ये घेरा पूरा बना दिया जाए तो सीढ़ियां इसके बीच में आ जाएंगी और ये धरती की भूमध्य रेखा को दर्शाएगा। इस तरह की जंग दरअसल हमारी धरती की एक नकल है। सीढ़ियों के ढलान का कोण धरती पर इस यंत्र की जगह के अक्षांश पर निर्भर करता है। जयपुर में इन सीढ़ियों का कोण 27 डिग्री है और धरती पर जयपुर का अक्षांशीय कोण भी 27 डिग्री ही है। हमारी धरती
मंडल के तारे एक गोले में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं, इसे खगोलीय गोला कहते हैं। हर राशि के लिए एक अलग यंत्र है और इन यंत्रों की सहायता से हम इन राशियों की आकाश की स्थिति का अनुमान लगाते हैं। इन्हें हम राशि बलन यंत्र कहते हैं। हमारी 12 राशियां सूर्य के काल्पनिक मार्ग पर होती हैं और आकाश को 12 बराबर भागों में बांटती हैं। रात के अंधेरे में हमें इस राशि पट्टी के सिर्फ एक भाग की राशियां नजर आती हैं और दूसरे भाग की राशियां सूरज के उजाले में छिप जाती हैं। साल भर में सूरज जैसे जैसे सभी राशियों के सामने बारी बारी आ जाता है, वैसे वैसे हम बाकी राशियों को भी रात के अंधेरे में देख पाते हैं। इससे हमें महीने और साल पूरे होने का हिसाब भी मिल जाता है। धरती की धुरी पर घूमने के कारण दिन में ये राशियां हमारे ठीक ऊपर आ जाती हैं। सिर्फ उस समय हम राशि वलय यंत्र से उनकी स्थिति का अनुमान लगाते हैं। यहां के हर यंत्र का अपना महत्व है। ये राम यंत्र जैसे कि वैज्ञानिक सूझबूझ का प्रमाण है। इससे हम किसी भी तारे या ग्रह की स्थिति यानी दिशा और ऊंचाई जान सकते हैं। सही गणनाएं देने के लिए इसे दो भाग में बनाया है ताकि इनमें खड़े होकर आसानी से गणनाएं ली जा सके। समझने के लिए सूरज का भी उदाहरण ले लीजिए। दिन भर में सूरज की स्थिति के अनुसार राम यंत्र के शंकु की परछाई की दिशा और लंबाई बदलती रहती है, जो एक समय पर एक ही अंक पर दिखती है और हमें सूरज की स्थिति का प्रत्यक्ष माप दे देती है। इस यंत्र में दो पैमाने हैं। एक पैमाने पर उत्तर की ओर से दिशा मापते हैं और दूसरे पैमाने से हम जमीन से उसकी ऊंचाई, इसकी सतह सपाट होने के कारण परछाई बराबर गति से नहीं चलती। अगर इन्हीं सतहों को एक गोलाकार रूप में ढाल दिया जाए तो हमारे पास एक समतल सतह आ जाती है। इसमें दिशा और ऊंचाई के दोनों पैमाने लगातार चलते हैं और गणना ज्यादा सटीक और आसान हो जाती है। यही प्रयोग जय प्रकाश यंत्र में किया गया है। वास्तव में जय प्रकाश यंत्र खगोलीय गोले का नमूना है। इस आधे गोले को अगर पूरा कर दिया जाए तो यह खगोलीय गोले को दर्शाता है और इसका शंकु धरती को जो गोले के मध्य में स्थित है। इस यंत्र की मदद से की गई गणना खगोल की वास्तविक स्थितियों का प्रतिबिंब होती है। खगोलीय गोले को उल्टा करके जमीन पर रख दिया गया है। गणनाएं आसान करने के लिए इसे भी राम यंत्र के समान दो संपूरक गोल भागों में बनाया गया है। जय प्रकाश यंत्र जंतर मंत्र का सबसे पूर्ण यंत्र है, जो राजा जय सिंह के अपने नाम के अनुरूप है, वो जिसकी मदद से हम सभी गणनाएं कर सकते हैं। या यूं कहिए कि सम्राट यंत्र, राशि वाला यंत्र और राम यंत्र की समस्त विशेषताएं मानो इसी एक यंत्र में समा गई है। इस यात्रा में हम सफर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि जयपुर जंतर मंतर देखने का आपका ये करके इसके एग्जिट गेट से बाहर जा रहे होंगे तो यहाँ पर छोटा सा एक कैफेटेरिया है जहाँ पर आप अपने कुछ ब्रेकफास्ट करना चाहें तो आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। मैंने अभी एक मिक्स फ्रूट लिया है और पैटीज वगैरह ली है और इसके ठीक बगल में गिफ्ट एंड सोवेनियर शॉप भी है। अगर आप कुछ किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ ऐसे मेमोरेंडम आप अपने साथ अगर लेके जाना चाहते हैं तो आप इस शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के
आइटम्स मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको मैं ये फोटो में दिखा रहा हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाना अलाउड नहीं किया तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने पिक्स ले लिए हैं। पिक्स में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या क्या परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जंतर मंतर का एक कंप्लीट टूर, शायद आपको इससे बेटर और टूर आपको नहीं मिलेगा। और मेरा ये एक सजेशन है आपको कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप गाइड जरूर करें। वैसे तो आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मिस्टर दिनेश शर्मा जी यहाँ पर पिछले 10 सालों से गाइड हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने काफ़ी डिटेलिंग में मुझे यहाँ पर चीज़ों को दिखाया बताया। तो ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। सबसे पहले ख़त्म करने से पहले मैं दिनेश जी से बोलना चाहूँगा कि अगर वो कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। क्यों, ये प्रैक्टिकल मोनूमेंट है, कभी भी आप जयपुर में आए या जंतर मंतर में आप विजिट करें तो यहाँ पे गाइड अवश्य लें, क्योंकि बिगर गाइड यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बताए जाएंगे या आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का बिल्कुल फिक्स प्राइस है, 1 to 4% आपको 200 rupees देने पड़ेंगे। ऐसा पर हेड का कोई सिस्टम नहीं है, आपको 200 rupees देने हैं चार लोगों को तक। और सर चार लोगों से ऊपर सिस्टम क्या है उसके? 300 rupees, 5 to 15 तक 300 rupees है। ठीक है, एक फैमिली में हार्डली 5 to 6% होते हैं, यानी आपको 200 rupees में आपका काम चल जाएगा और आप एक कंप्लीट टूर यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सफर यहाँ खत्म होता है, मिलेंगे आपसे एक नए जगह के साथ में। अभी टाइम मेरे पास बचा हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी हवा महल जाऊं। तो मिलते हैं अभी हवा महल में, तब तक के लिए।